कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के लैंगले शहर में फायरिंग हुई। घटना में दो भारतीय मूल के लोगों समेत 3 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने चीन पर सख्त रुख दिखाया है। सुनक ने कहा है कि बिल्कुल साफ हो चुका है कि चीन हमारे देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो पहले दिन से चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम 5 सितम्बर को घोषित किया जाएगा। चीन में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा 2022 में हुई कई रिसर्च में डेटा सामने आया कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले युवा सरकारी दफ्तरों में बाबू बनने के लिए मजबूर हैं। करीब 1.5 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिए। विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन में बेरोजगारी दर ज्यादा है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के पास सैन पेड्रो शहर में गोलीबारी हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पैक पार्क में आयोजित एक कार शो के दौरान फायरिंग हुई। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल ले जाया गया। घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया इसकी जांच की जा रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने गूगल को फाउंडर की पत्नी से अफेयर की खबरों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि गूगल को फाउंडर सर्गेई ब्रिन वो दोस्त हैं, उनकी पत्नी से अफेयर की खबरें बकवास हैं। अमेरिका अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया कि सर्गेई की पत्नी निकोल से मस्क का अफेयर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ब्रिन ने साल जनवरी में निकोल से तलाक की अर्जी दी। म्यांमार सेना ने 4 लोकतंत्र समर्थक को फांसी की सजा दे दी है। सेना का कहना है कि इन चारों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया है उसमें लोकतांत्रिक नेता को जिम्मी और अपदस्थ नेता अंग सान सू की सरकार के पूर्व सांसद को क्यू जियार को भी शामिल थे। महंगाई के मोर्चे पर लगातार बढ़ रही चुनौती को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चिंतित हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि अमेरिका में मंदी का दौर नहीं आने जा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि मेरे विचार में हम अभी मंदी के दौर में नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर अभी भी इतिहास में सबसे कम है। भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका के लिए पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस को सम्मानित किया गया। अमेरिकी भारत सामरिक साझेदारी मंच ने जनरल नरवणे और मैटिस को सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बजराम बेगज ने शपथ ली और विभिन्न राजनीतिक दलों से देश के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करने और कानून के शासन को मजबूत करने का आग्रह किया है। 140 सीटों वाली संसद में 78 वोट हासिल कर जीते राष्ट्रपति बजराम बेगज ने संसद में एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के संभावित दौरे के तहत ताइवान ने सोमवार को हवाई हमले का युद्धाभ्यास किया। ताइवान ने यह कदम चीन की उन धमकियों के तहत उठाया जिसमें पेलोसी को ताइवान दौरा न करने की सलाह दी गई है। इस युद्धाभ्यास से चीन ताइवान को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय सचेत हो गया है। भारत ने फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA को $25 लाख का योगदान दिया। एजेंसी ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक सुनील कुमार ने 22 जुलाई को पूर्वी यरूशलम में चेक दिया। चीनी नागरिक द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर 2 भारतीयों सहित 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को टिंकून इलाके में मौजूद स्काई वर्ल्ड सर्विस सेंटर पर कार्रवाई में पुलिस ने 33 नेपाली एक चीनी को भी पकड़ा है। देश की 26,126 ग्रामीण बस्तियों में लोग दूषित पानी पी रहे हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में साल 20 जुलाई तक के आंकड़े रखे। 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2020 के दौरान इनकी तादाद 36,054 थी। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया है कि 26 राज्यों के 408 जिलों में फ्लोराइड और कई जिलों में आर्सेनिक ज्यादा मात्रा में मिला। और CBI ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा में हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि प्रणब बरकैत, प्रीतम रॉय सरकार, रतन रॉय सरकार, लिटन शेन, लिटन भामेक, नकुल रॉय सरकार और विश्वजीत वर्मन को कूचबिहार, जयपुर और कोलकाता से गिरफ्तार किया गया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम किसान उत्पीड़न योजना से शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, आत्महत्या के आंकड़े नहीं, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं लेकिन फसल बीमा के नाम पर कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुँचाया। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले बहरामपुर थाने में एक विस्फोट में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए। थाने के गोदाम में रखी बैटरी में धमाका हुआ था। घायलों में सब इंस्पेक्टर कृष्णेंदु गोस्वामी, 2 नागरिक शामिल हैं। तीनों का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि उसने करेंसी नोटों पर दृष्टि बाधितों की सुविधा के लिए स्पर्श से महसूस होने वाले कई फीचर जोड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कर्णिक की खंडपीठ नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। सोमवार की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में उनको सीजेआई एनवी रमना ने शपथ दिलाई। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने के बाद से ही उन्हें देश विदेश से बधाइयां मिलना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल सिंघे के साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। 45 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सोमवार को इस केस में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि शराब फैक्ट्री में मेथनॉल की आपूर्ति की जा रही थी। ये केमिकल अहमदाबाद से सीधे सप्लाई किया जाता था। मेघालय के तुरा में विश्वविद्यालय चलाने के आरोप में बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मराक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस ने मारक रिसोर्ट में छापेमारी कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने इस रिसोर्ट से 6 बच्चों को भी अपने कब्जे में लिया था, तो वहीं छापेमारी की घटना के बाद से ही बीजेपी नेता फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे और देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों फिटनेस बनाने में लगे हैं। पहले वे क्रिकेट खेलते और अब लालू की फेवरेट जीप को खींचते नजर आए। अकेले ही जीप को खींच कर ले आए और फिर उसे धक्का मार कर वहीं पर ले गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना दौरे के दौरान मंच से उतरते वक्त तेजस्वी को वेट कम करने की सलाह दी थी। बेंगलुरु में पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने फूड डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहे एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी का नाम अख्तर हुसैन लश्कर है। वो असम का रहने वाला है और वहां से भागकर बेंगलुरु आया था। किराए पर फ्लैट लेकर रह रहा था। पुलिस ने रविवार को उसके घर छापा मारा और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर जमकर निशाना साधा। महबूबा ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति गलत परंपरा मना गए, वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को कई बार कुचला गया। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आगे गठबंधन रहेगा या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की बात है और भविष्य में क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। अयोध्या के छावनी परिषद आर्मी एरिया में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद छावनी परिषद ने अलर्ट जारी किया। जमथरा घाट से मीरन घाट गुप्तार घाट मार्ग पर अकेले या साइकिल से न जाने की अपील की। स्कूली बच्चों को अलर्ट भी किया गया है। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को मोदी सरकार द्वारा लगाए गए रोटी पर टैक्स के विरोध में रोटी कांवड़ यात्रा निकाली गई। रोटी, दूध, दही, छाछ, किताब, पैना इत्यादि बाबा विश्वनाथ को अर्पित कर इन पर लगे टैक्स से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की गई। रोटी कांवड़ यात्रा निकालने वाले हरीश मिश्रा ने कहा कि अब मोदी सरकार गरीबों की कोई भी बात नहीं सुनती, बाबा विश्वनाथ लोगों की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बटियागढ़ थाना अंतर्गत आरटीओ विभाग ने जम्मू छतरपुर मार्ग पर अभियान चलाकर वाहनों की जांच की है। जांच में कुछ वाहनों में कमियां मिली, जिससे 6,000 रुपए वसूले गए। इस दौरान कुछ वाहन चालक भागते भी नजर आए, तो वहीं आरटीओ क्षितिज सोनी ने कहा है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
धर्मचयगढ़, रायगढ़ और सरगुजा वन मंडल में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रायगढ़ जिले और सरगुजा जिले के बॉर्डर पर बीती रात जंगली हाथियों के दल ने एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो वहीं किसानों के धान की फसल और मकानों में भी तोड़फोड़ मचाई। बता दें कि धर्मचयगढ़ वन मंडल के कापू रेंज और सरगुजा वन मंडल के बीच स्थित हाथियों का यह उत्पात देखने को मिला है। हापुड़ में लगभग 20 फुट लंबा अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। खेत पर कार्य करने जा रहे किसानों को गांव के पास छोटे से तालाब में अजगर दिखाई दिया। सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर अजगर को पकड़ा। अजगर को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हरिद्वार में सोमवार की शाम तक कांवड़ मेले में 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने कांवड़ उठाई। जिला प्रशासन ने सोमवार शाम 6 बजे तक के आंकड़े जारी किए। मेले के अंतिम दौर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस बार मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं का भी प्रशासन को पूरा सहयोग मिला है। इंदौर के चंदन नगर में चोरी की वारदात हुई। शादी समारोह में गए परिवार के घर नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। जौनपुर में तेज बारिश ने जौनपुर नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। नगर के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। आम जनता को बारिश के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रत्येक वर्ष सीवर लाइन, पाइपलाइन, नाली जैसे तमाम योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसके बावजूद नगर में जलभराव ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष के आधा दर्जन दबंगों ने बुजुर्गों को लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया, तो वहीं महिला के साथ भी मारपीट की। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दो लोगों ने युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। खरगोन में कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्ति भाव से गंगा जल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा। तिरुपति बालाजी भक्त मंडल और विधायक रवि जोशी मित्र मंडल द्वारा पिछले 7 सालों से गंगा जल धार्मिक यात्रा शहर में निकाली जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान हर हर गंगे और बम बम बोले के जयघोष से शहर गूंज उठा। जहां एक तरफ सरकार वृक्षारोपण करती है, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है। कौशाम्बी में पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से खुलेआम पेड़ काटे जा रहे हैं। सैनी थाना क्षेत्र के दिलाबलपुर नहर के पास हरे महुए का पेड़ काट दिया गया। जानकारी के बाद वन विभाग के अधिकारी और मौके पर पहुंचे, वहीं ठेकेदार को थाने ले गए, लेकिन लकड़ी माफिया पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लखनऊ के इंद्रजीत खेड़ा गांव में गायत्री प्रजापति की जमीन को ईडी ने सील कर दिया। करीब 10 बीघा जमीन गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर के नाम की थी। जानकारी के अनुसार जमीन पर प्लॉटिंग भी की जा रही थी, इसे ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान ईडी टीम के साथ मोहन लालगंज तहसील के राजस्व कर्मी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर के नजवा रेलवे डॉच पुल के नीचे बरसात का पानी भरने से रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से सास बहू की मौत हो गई। पीड़ित सुरेंद्र का आरोप है कि उसकी भाभी की जान बच जाती यदि पुलिस सहायता मांगने पर मदद करती। जानकारी के अनुसार पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही लगातार जारी है। टीकमगढ़ के बजरंग दल प्रखंड पलेरा की बैठक हुई, जिसमें घायल गौवंश के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर बजरंग दल प्रखंड पलेरा जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। इसमें प्रखंड खरगापुर, प्रखंड जतारा और जिले के दायित्व बांध कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। संयोजक राजेंद्र राय ने कहा कि तहसीलदार को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। रायबरेली जनपद के डीह क्षेत्र स्थित पावर हाउस में घोषित बिजली कटौती के विरोध में धरना दिया गया। बीजेपी किसान ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने कहा कि जब तक क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता, धरना जारी रहेगा। रायसेन की बाड़ी तहसील के सराफा व्यापारी धनराज सोनी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सूदखोरों द्वारा धनराज सोनी पर पैसे को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था, जिससे लेकर धनराज परेशान था। कर्ज से परेशान व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
रामपुर पुलिस ने असली कीटनाशक की कॉपी पर नकली कीटनाशक खाद और दवाई बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि नकली उर्वरक दवा और खाद बनाकर दुकानों में बेच देते थे। पूछताछ में उनके द्वारा बताए गए दुकानदारों की तस्दीक कर जाँच की जा रही है। जल्द ही पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। रायसेन जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सांची विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मुस्कावाद से सती के बीच में एक नदी है जो भारी बारिश के कारण उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दीवानगंज मार्ग भी बंद है। भारी बारिश होने से कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। शुजालपुर से खबर, जहां सावन में महाकाल के दर्शन नाग देवता के रूप में हुए। आष्टा फ्रीगंज रोड पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर भव्य आरती का आयोजन चल रहा था, तभी नाग देवता के रूप में आकर शिवजी के पिंडी के पास नाग रूप में दर्शन दिए, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। जब तक महाआरती चली, नाग देवता महाकाल के शिवलिंग के पास ही बैठे रहे। सावन मास की महाशिवरात्रि है और भोले के भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इन भोले के भक्तों का स्वागत कर उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम रखा गया। संवाददाता ने भक्तों से बात की तो उन्होंने एक ही बात कही, भोले की फौज करेगी मौज, और भोले का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। अमरपाटन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 30 पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। नादन थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 29 लोगों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मध्य प्रदेश निकाय और पंचायत के चुनाव के बाद राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जुलाई को मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के प्रमुख सचिव की बैठक बुलाई है, जिसमें विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसके अलावा सितंबर में होने वाली विधानसभा सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट भी लेकर आने वाली है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून रोटी का लाइन प्रदेश के कई हिस्सों से गुजर रही है, जिसकी वजह से बारिश के आसार बने हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमर ज्योति शौर्य स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है, जिसे लेकर पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा है। सीएम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।